Hello students, assalamu alaikum. Last time we discussed the unit number 4 and page number 2, and today we are going to discuss the reading of portion 3rd of unit number 4, that is thank you ma'am. So let's start from line number 1. The water was dripping from his face. Uske chehre se paseena beh raha tha. Pani beh raha tha uske chehre se. The boy looked at her aur isi tarah se usne khatoon ki taraf dekha. There was a long pause. एक लंबा वक्फा था, अ वेरी लॉन्ग पॉज, एक लंबा वक्फा, यानी उनकी डिस्कशन के माबैन एक लंबा वक्फा आया. आफ्टर ही हैड ड्राइड हिज फेस, इसके बाद उसने अपने चेहरे को खुश किया. एंड नॉट नोइंग व्हाट एल्स टू डू, और अब वो नहीं जानता था कि और क्या करे. ड्राइड इट अगेन, इसको दोबारा से खुश किया. द बॉय टर्न्ड अराउंड, लड़का वापस मुड़ा. वंडरिंग व्हाट नेक्स्ट, और हैरान था कि अब आगे क्या होने वाला है. यानी वो सिंक पे गया था, उसने अपना मुंह साफ़ किया, मुंह धोया, और उसके बाद अब हैरान इस बात पर था कि अब ये मेरे साथ क्या करेगी, इस लोग मुझे जेल में लेके जाएगी, मुझे पनिश करेगी, क्या करेगी मेरे साथ. वंडरिंग व्हाट नेक्स्ट, हैरान था क्या बाकी उसके साथ क्या होने वाला है. द डोर वॉज ओपन, बाहर का दरवाज़ा खुला था. ही कुड मेक अ डैश, वो तेज़ी से अगर चाहता तो वो भाग सकता था. फॉर इट डाउन द हॉल, हॉल की जानब. ही कुड रन 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 रन, वो भाग सकता था, भाग सकता था, भाग सकता था. यानी इस इतनी दफ़ा लिखने का मतलब है कि राइटर एक्सप्लेन करना चाह रहा है, जोर देना चाह रहा है कि उसके पास पूरा चांस था, अगर वो चाहता तो वो भाग सकता था. द वेमन वॉज सिटिंग ऑन द डे बेड, खातून बैठी हुई थी सोफे के ऊपर. आफ्टर वाइल, कुछ देर के बाद, शी सेड, उसने कहा, आई वर यंग वंस, मैं भी कभी जवान थी. एंड आई वॉन्टेड थिंग्स आई कुडंट गेट, और मैं भी चीज़ें हासिल करना चाहती थी जो मैं हासिल नहीं कर सकी. There was another long pause. इसके बाद, इस बात के बाद एक और लंबा वक्फा आया. The boy's mouth opened, लड़के का मुंह खुला. Then he frowned, फिर उसने तेवरी चढ़ाई, ये facial expression. Then he frowned, फिर उसने तेवरी चढ़ाई. Not knowing he frowned, और वो नहीं जानता था कि वो ऐसा कर रहा था. The woman said, उस औरत ने कहा, you thought I was going to say, अच्छा तुम ये सोच रहे थे, दैट आई वॉज गोइंग टू से, कि मैं कुछ कहने वाली थी. बट डिडेंट यू, क्या तुमने ऐसा सोचा. यू थॉट आई वॉज गोइंग टू से, तुम ये सोच रहे थे कि मैं तुम्हें बताने वाली थी. बट आई डिडेंट स्नैच पीपल्स पॉकेट बुक, लेकिन मैंने लोगों के पर्स नहीं छीने. यानी मैंने भी ख्वाहिशात पूरी की, लेकिन अपनी विशेज को फुलफिल करने के लिए मैंने, आई डिडेंट स्नैच पीपल्स पॉकेट बुक, मैंने लोगों के पर्स नहीं छीने. Well, I wasn't going to say that, मैं आपको ये नहीं बताने वाली थी. Pause, वक्फा, silence, इसके बाद खामोशी. I have done things, मैंने भी बहुत सारे काम ऐसे किए हैं, which I won't tell you son, जो बेटा मैं तुम्हें नहीं बताऊँगी. Neither tell God if he didn't already know, और ना ही मैं खुदा को बताऊँगी अगर वो पहले से ही नहीं जानता होगा. Everybody's got something in common, हर बंदे की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ मामूल का होता है. So you sit down, आप बैठो, while I fix up something to eat, जबकि मैं आपके खाने के लिए कुछ इंतज़ाम करती हूँ. You might run that comb through your hair, so you will look presentable, तब तक आप अपने बालों में कंघी कर लो ताकि तुम खुशनुमा दिखाई दो. In another corner of the room, behind a screen, कमरे के एक और कोने में, दूसरे कोने में, behind a screen, पर्दे के पीछे, वाज अ गैस प्लेट, एक चूल्हा पड़ा हुआ था, एंड एन आइस बॉक्स, और एक फ्रिज पड़ी हुई थी. मिसिज जॉन्स गॉट अप, मिसिज जॉन्स उठी, एंड वेंट बिहाइंड द स्क्रीन, और पर्दे के पीछे चली गई. द वेमेन डिडेंट वॉच द बॉय टू सी इफ ही वॉज गोइंग टू रन नो, उस खातून ने बिल्कुल भी नहीं देखा कि ये लड़का कहीं भाग तो नहीं रहा. नॉट डिड शी वॉच हर पर्स, और ना ही उसने अपने पर्स का ख्याल किया. विच शी हैड लेफ्ट बिहाइंड अर ऑन द डे बेड, जो वो अपने पीछे अपने बिस्तर पर उस लड़के के पास छोड़ाई थी. यानी उसको वहीं पे बिठा के रूम के अंदर, रूम के एक और साइड पे जो पर्दा लगा हुआ था, जिसके पीछे कुछ किचन यूटेंसिल्स पड़े हुए थे, वो खुद वहाँ पे चली जाती, और उसने बिल्कुल केयर नहीं की, ना अपने पर्स की और ना ही उस लड़के की, कि लड़का भाग जाए या वो पर्स लेके भाग जाए. बट द बॉय टू केयर टू सिट ऑन द फार साइड ऑफ द रूम, लेकिन लड़का जो था वो कमरे में उससे थोड़ा फासले पर बैठा रहा, अवे फ्रॉम द पर्स, पर्स से थोड़ा फासले पे. वेर ही थॉट, जहाँ पर उसने सोचा, शी कुड ईजिली सी हिम आउट ऑफ द कॉर्नर ऑफ हर आई इफ शी वॉन्टेड टू, जहाँ पर उसने सोचा कि अगर खातून उसको चाहे तो वो बड़ी आसानी के साथ उसको देख सकती है. ही डिडेंट ट्रस्ट द विमेन नॉट टू ट्रस्ट हिम,
अब वो नहीं चाहता था कि औरत उस पर दोबारा से एतमाद ना करे, एंड ही डिड नॉट वॉन्ट टू बी मिसट्रस्टेड नाउ, और अब वो दोबारा से बेएतमाद भी नहीं होना चाहता था. डू यू नीड समबडी टू गो टू द स्टोर, क्या आपको स्टोर पर जाने की ज़रूरत है? आस्क द बॉय, लड़के ने पूछा. मे बी टू गेट सम मिल्क और समथिंग, दूध या कोई और चीज़ लेने के लिए. डोंट बिलीव आई डू, ऐसा मत ख्याल करो कि मुझे ये ज़रूरत है, सेड द वुमन, उस औरत ने कहा. अनलेस यू जस्ट वॉन्ट स्वीट मिल्क योर सेल्फ, हाँ अगर तुम्हें मीठा दूध चाहिए तो. आई वॉज गोइंग टू मेक कोको आउट ऑफ दिस कैंड मिल्क आई गॉट हेयर, और मेरे पास जो डिब्बा बंद दूध है मैं उसी से ही कोको बनाने जा रही हूँ, स्वीट डिश. दैट विल बी फाइन, सेड द बॉय, लड़की ने कहा कि ये तो फिर बहुत उम्दा बात है, बहुत बेहतर बात है. सो लेट्स स्टार्ट द रिव्यू ऑफ पेज थर्ड पोर्शन ऑफ दिस लेसन. अभी हमने जो रीडिंग की आपके सामने उसको एक दफ़ा से रिवाइज करते हैं फिर से. स्टार्ट हमने किया था आज की स्टोरी कि द वाटर वॉज ड्रिपिंग फ्रॉम द बॉयज़ फेस, के लड़के के चेहरे से पसीना जो था वो बह रहा था, यानी सॉरी पानी बह रहा था, यानी सिंक पे उसने मुंह धोया और पानी जो था अभी भी वो ड्रिप कर रहा था. उनकी बातों के दरमियान एक वक्फा आता है, इसके दौरान वो अपने चेहरे को दोबारा से धोता है फिर से, और हैरान था, सोच रहा था, वंडरिंग वट नेक्स्ट, और ये सोच रहा था कि अब वट नेक्स्ट, कि खातून उसके साथ अब क्या मामला करने वाली है. हाँ, एक वुड मेक अ डैश, अगर वो चाहता तो वो भाग सकता था, और हर सूरत में वो भाग सकता था, और वो अगर वो चाहता तो पर्स के साथ भी भाग सकता था, क्योंकि वो खातून जो थी उसने डे बेड के ऊपर ही अपना पर्स छोड़ा हुआ था. इसके बाद खातून रूम में आई, डे बेड पर बैठती है और उसके साथ डिस्कशन स्टार्ट करती है और बताती है कि आई वर यंग वंस, मैं भी कभी जवान थी, और एंड आई वॉन्टेड थिंग्स, और मैं भी बहुत सारी चीज़ें बेटा ऐसी थी जो मैं हासिल करना चाहती थी, जो मैं हासिल नहीं भी कर पाई. उनकी इस गुफ्तगू के दौरान फिर वक्फा आता है, और फिर उसके बाद ही फ्रोंड, वो तिवरी चढ़ाता है, यानी वो सोचता है, ख्याल करता है. यू थॉट आई वॉज गोइंग टू से, और ख़ातून उससे पूछती है कि तुम क्या सोच रहे थे कि मैं तुम्हें शायद कुछ इस तरह का बताने वाली थी, यानी मैं भी बताने वाली थी तुम्हें कि मैंने भी लोगों के पर्स छीने, शायद तुम ऐसा सोच रहे थे. आई डिडेंट स्नैच पीपल्स पॉकेट बुक, लेकिन मैंने लोगों के पर्स नहीं छीने. थिंग्स आई वॉन्ट टेल, मैंने भी ज़िंदगी में बेटा बहुत सारे काम ऐसे किए हैं दैट आई वॉन्ट टेल, जो मैं तुम्हें नहीं बताने वाली. एवरीबडी गॉट समथिंग इन कॉमन, हर बंदे की ज़िंदगी में मामूल का कुछ ना कुछ होता है. अब यू सिट डाउन व्हाइल आई फिक्स समथिंग टू ईट, अब आप बैठो और मैं आपके लिए खाने का इंतज़ाम करती हूँ. और बल्कि उस वक्त तक रन योर कॉम टू लुक प्रेजेंटेबल, अपने बालों में कंघी कर लो ताकि तुम ज़रा खूबसूरत दिखाई दो, खुशनुमा दिखाई दो. इसके बाद वो कमरे के अंदर ही लगे हुए पर्दे के पीछे चली जाती है, बिहाइंड द स्क्रीन, जहाँ पर एक गैस प्लेट और एक आइस बॉक्स पड़ा होता है, वहाँ पर चली जाती है कुछ खाने के लिए, बनाने के लिए. एंड शी डिडंट केयर ऑफ बॉयज रनिंग आर हर पर्स, वो वहाँ पे चली गई. अब लड़के के पास शान साथ बाहर का दरवाज़ा भी खुला है, लड़का डे बेड पे बैठा है, उधर ही पर्स भी पड़ा हुआ है. अगर वो चाहता तो वो पर्स के साथ भाग सकता था और अकेले भी भाग सकता था. द बॉय सेड फ्रॉम फार फ्रॉम पर्स, लेकिन लड़के ने एहतियात की और पर्स से थोड़ा फासले पे बैठा रहा, यानी अब वो दोबारा से उस औरत का जो ट्रस्ट है उसको वो गेन करना चाह रहा था. ही डिडेंट वॉन्ट टू बी मिसट्रस्टेड नाउ, और यही लाइन बड़ी प्यारी स्टोरी के अंदर यूज़ की राइटर ने, कि अब वो दोबारा से नहीं चाहता था कि उस औरत का ट्रस्ट जो है वो लूज़ करे. और एनीथिंग फ्रॉम स्टोर, और साथ ही वो क्वेश्चन करता है लड़का उससे, खातून से, जो किचन के अंदर उसके लिए खाना बना रही और ख़ुद के लिए भी, कि क्या स्टोर से किसी चीज़ के मंगवाने की ज़रूरत है, मिलकर समथिंग, दूध या कोई और चीज़. तो खातून उसको बताती है कि आई डोंट, मुझे ज़रूरत नहीं है. इफ़ यू, हाँ अगर तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत है, कोई मीठा दूध या कुछ और लेने के लिए, देन यू कैन गो, पे आप जा सकते हैं. यानी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग जो है वो इंक्रीज़ हो रही है दोनों के माँ बहन. एंड आई एम गोइंग टू मेक कोको आउट ऑफ दिस कैंड मिल्क, और मेरे पास ये डिब्बा बंद दूध है उसी से ही मैं आपके लिए खाने की कुछ चीज़ मीठी डिश बना रही हूँ, कोकोआ. एंड मैं खाली स्वीट डिश है जो कोकोआ पाउडर से तैयार की जाती है. इट विल बी फाइन, सेट द बॉय, लड़के ने लास्ट लाइन जो बोली उसने कहा कि ये तो बिल्कुल उम्दा है, यानी कि अच्छी बात है कि घर में चीज़ मौजूद है बनाने के लिए. सो दिस वॉज अ शॉर्ट रिव्यू ऑफ थर्ड पोर्शन ऑफ यूनिट नंबर 4, दैट इज़ द थैंक यू मैम. एंड नाउ मूव ऑन टूवर्ड्स इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी वर्ड्स यूज्ड इन दिस पोर्शन. एंड सो फर्स्ट वर्ड हियर वॉज ड्रिप, एंड इट्स सिनोनिम्स आर ड्रिबल, ट्रिकल आर ड्रॉप, मीन के टपकना, बहना, पसीने का या मुंह धोने के बाद पानी का बहना किसी भी चीज़ का. एंड सेकेंड वर्ड यूज्ड इन दिस पोर्शन इज़ डैश, एंड स्टेटमेंट जो यूज़ की गई थी स्टोरी की, ही कुड मेक अ डैश, वो भाग सकता था, तेज़ी से हरकत करना, रश आर मूव वायलेंटली, तेज़ी से मूव करना. एंड देन थर्ड वर्ड इज़ डे बेड, एंड इट इज़ यूज फॉर सोफ़ा आर काउच,
इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है वर्ड. एंड फोर्थ इज फ्रॉन एंड इट इज़ अ फेशियल एक्सप्रेशन. एंड सिनोनिम्स आर इट्स स्कॉल आर ग्लेयर, घूर के देखना, तिवरी चढ़ाना. एंड द नेक्स्ट वर्ड इज फिक्स एंड इट्स सिनोनिम्स आर प्रिपेयर, लुक आर सॉरी कुक आर मेक रेडी, किसी चीज़ को प्रिपेयर करना. फिक्स का मतलब फिक्स करना भी होता है. अगर फ्रेज इन फिक्स आती है तो उसका मतलब उलझन परेशानी भी होता है. एंड फिक्स मीन्स रेडी, प्रिपेयर करना, किसी चीज़ का तैयार करना भी. एंड द सिक्स नंबर वर्ड हेयर इज आइस बॉक्स एंड इट्स सिनोनिम्स आर रेफ्रिजरेटर एंड फ्रीजर, कॉमनली वर्ड यूज़ किया जाता है. एंड देन मिसट्रस्ट, बेएतमादी एंड इट्स सिनोनिम्स आर सस्पेक्ट आर डाउट आर डिसबिलीव. एंड देन कैन एंड इट्स सिनोनिम्स आर कंटेन्ड इन अ कैन, यानी कोई ऐसी चीज़ जो डिब्बे के अंदर जिसको पैक कर दिया जाए, बंद कर दिया जाए. एंड द सेकेंड लास्ट वर्ड हेयर इज प्रेजेंटेबल एंड मीन जो प्रेजेंट करने के काबिल हो, दिखाने के काबिल हो. टाइडी, डिसेंट आर सूटेबल. एंड द लास्ट वर्ड हेयर इज स्क्रीन एंड इट इज़ यूज फॉर पार्टीशन आर रूम डिवाइडर, पर्दे के लिए इस्तेमाल किया जाता है ये वर्ड. सो दीज आर सम इम्पोर्टेंट वोकैबुलरी वर्ड्स फ्रॉम पोर्शन थर्ड ऑफ यूनिट नंबर फोर. दैट इज थैंक यू मैम बाय लैंगस्टन हग्स. एंड नाउ मूव फॉरवर्ड टू द ग्रामर पोर्शन. एंड टुडे वी विल डिस्कस द पेयर ऑफ वर्ड्स जो हमारे सिलेबस का भी हिस्सा है, उसको भी हम साथ साथ कवर करने की कोशिश करेंगे. इसके अलावा जो ग्रामर पोर्शन के अंदर स्टोरीज, एप्लीकेशन लेटर्स हैं, उनको भी हम नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर डिस्कस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम पेयर ऑफ वर्ड्स. फर्स्ट वर्ड पेयर ऑफ वर्ड इज हेयर इज ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, ए बी जे ई सी टी ऑब्जेक्ट. और इसका मीनिंग है काबिल नफरत. आई डिसलाइक योर ऑब्जेक्ट बिहेवियर, मुझे आपका काबिल नफरत रवैया पसंद नहीं है. सेंटेंस. एंड ऑब्जेक्ट मकसद, मेकिंग मनी इज इज ओनली ऑब्जेक्ट इन लाइफ, पैसा कमाना ही उसकी ज़िंदगी का वाहिद मकसद था. आप इन सेंटेंसेस को एज इट इज़ लर्न भी कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इन सेंटेंसेस को खुद से क्रिएट भी कर सकते हैं इन वर्ड्स के इस्तेमाल से. एंड द सेकेंड पेयर ऑफ वर्ड इज एब्सटेन, यू शुड एब्सटेन फ्रॉम स्मोकिंग, तुम्हें स्मोकिंग से एब्सटेन करना चाहिए, बास रहना चाहिए. रेफ्रेन, इज्तनाब करना. द मुस्लिम्स शुड रेफ्रेन फ्रॉम बैक बाइटिंग, मुसलमानों को बैक बाइटिंग से यानी कि चुगलखोरी से इज्तनाब करना चाहिए. एंड थर्ड पेयर ऑफ वर्ड इज एक्सेस, आई हैव नो एक्सेस टू द मिनिस्टर, मिनिस्टर तक मेरी कोई रसाई नहीं है. एक्सेस ज़रूरत से ज़्यादा, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, हर चीज़ की जो ज़्यादती होती है वो बुरी चीज़ है. एक्सीड, नंबर फोर, ही हैड एक्सीडेड टू माई रिक्वेस्ट, उसने मेरी रिक्वेस्ट को मान लिया. एक्सीड एंड कंसीड एंड इट्स मीनिंग इज़ तस्लीम कर लेना. वी कंसीडेड आर डिफेक्ट, हमने अपनी गलती को तस्लीम किया. एंड द लास्ट पेयर ऑफ वर्ड ऑफ दिस सेशन इज एक्सीडेंट, He died in an accident, वो एक accident के अंदर मारा गया. And incident, हादसा, वाक्या, there was a shooting incident last night, पिछली रात एक shooting incident जो था वो पेश आया. ग्रामर पोर्शन भी इसके साथ ही हमने स्टार्ट किया, ताकि हमारा ये ग्रामर पोर्शन का जो सिलेबस है वो भी कंटिन्यू रहे हमारी बाकी क्लासेस के साथ, टेक्स्ट के साथ. होपफुली आप लोगों ने आज के लेसन को अंडरस्टैंड करने की कोशिश की है. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं, लास्ट पोर्शन डिस्कस करेंगे रीडिंग का हम यूनिट नंबर फोर का. तब तक अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.